ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने पढ़ा एसिड्स के क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द सोर्स। अब हम पढ़ रहे हैं एसिड्स का क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन कंसंट्रेशन। अब हम बेसिस रखेंगे कंसंट्रेशन को। इस बेसिस पर एसिड्स दो टाइप के हैं, एक है कंसंट्रेटेड एंड सेकंड इज डाइल्यूट। ये आप प्राइमरी क्लासेस में पहले से भी पढ़ के आए हैं। कंसंट्रेटेड मींस उसमें एसिड की मात्रा ज्यादा है, पानी की मात्रा कम है, मींस लेस वाटर, वाटर कम है, एसिड ज्यादा है, मोर एसिड, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड एसिड। एंड डाइल्यूट इज मोर वाटर, वाटर ज्यादा है और एसिड है कम, लेस एसिड। तो ये क्लासिफिकेशन होगा कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बेसिस के ऊपर एसिड्स कितने टाइप के हैं? तो स्ट्रेंथ के बेसिस के ऊपर एसिड्स दो टाइप के हैं अपने। एक है स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स मींस ऐसे एसिड्स जिनको जब एक्वस सॉल्यूशन में डालें तो वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और जो पूरी तरह से आयनाइज नहीं होते वो क्या होते हैं? एसिड्स विच कंप्लीटली आयनाइज, जो पूरी तरह आयनाइज हो जाए, या आयनाइज को हम क्या बोल रहे हैं? डिसोसिएट, जो पूरी तरह से डिसोसिएट होते हैं, टूट जाते हैं, आयनाइज होते हैं, वो है स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और जो पार्शियली यानी कि कम आयनाइज होते हैं, विच आर पार्शियली आयनाइज्ड, जो पार्शियली आयनाइज हैं वो कहलाएंगे वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आपके बड़े फेमस हैं, वही तीन एसिड जो कभी से पढ़ते हुए आप, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है यानी कि पूरी तरह अपने आयंस में टूटेगा, H2SO4 पूरी तरह अपने आयंस में टूटेगा, HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। इट मींस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन दे आर कंप्लीटली आयनाइज्ड और डिसोसिएटेड इनटू आयंस। एंड वीक एसिड्स, व्हाट आर एसिड्स? द एसिड्स व्हिच आर नॉट कंप्लीटली आयनाइज्ड, दे आर पार्शियली आयनाइज्ड, एग्जांपल CH3COOH एसिड या इथेनोइक एसिड जिसको हम कह रहे हैं, तो अपने आयंस में नहीं टूटेगा। HCOOH ये पूरी तरह अपने आयंस में नहीं टूटेगा, पार्शियली आयनाइज होगा। HCN वीक एसिड है, हाइड्रोजन साइनाइड। H2S वीक एसिड है। H2CO3 वीक एसिड है। ऑक्सैलिक एसिड एक वीक एसिड है। टार्टरिक एसिड एक वीक एसिड है। तो दो कैटेगरी अपने पास स्ट्रेंथ के हिसाब से हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। थोड़ी सी और डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो हैं, देखो ये कंप्लीटली आयनाइज हो रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि जब सॉल्यूशन में डालेंगे तो एच पॉजिटिव आयन को या हाइड्रोनियम को, बात तो एक ही है, यानी कि इसमें आपको मोर एच पॉजिटिव आयन्स मिलेंगे सॉल्यूशन में, और इसमें आपको कम मिलेंगे, लेस प्रोटॉन या लेस हाइड्रोनियम आयन्स आर ऑब्टेंड इन वीक एसिड्स। ये इनके एग्जांपल हो गए वीक और स्ट्रॉन्ग के। अब बात करते हैं कि ये कंप्लीटली आयनाइज और पार्शली आयनाइज इनका क्या मतलब है, क्या समझे हम इनसे। देखो जब भी कोई एसिड है और वो टूटता है तो वो कितना टूटता है, कंप्लीटली और पार्शल का ये मतलब नहीं कि CH3COOH ये जब टूट रहे हैं
ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ऐसा नहीं होगा कि ये जब टूटने लग रहे हैं तो ये आधा टूट जाए आधा रह जाए, ऐसा नहीं होता। हमने मॉलिक्यूल्स देखने हैं कि आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, उनमें से कितने टूट गए कितने रह गए। मान लिया आपको 100 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं इसके एसिटिक एसिड के, और उसमें से 10 मॉलिक्यूल्स तो टूट ऐसे और 10 तो डिसोसिएट हुए, 90 नहीं हुए, तो हम कहेंगे कि भाई ये तो कुछ भी नहीं हुए, तो ये पार्शियली आयनाइज हुआ, ये वीक एसिड हुआ। आपने ऐसे नहीं बताना कि भाई ये थोड़े थोड़े जुड़े रह गए, पूरी तरह नहीं टूटे, ये मतलब नहीं है। टोटल कितने थे और पूरी तरह कितने टूटे, वो जिसमें ज्यादा टूटेंगे वही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और इसका हिसाब किताब लगाने के लिए एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि डिसोसिएशन की डिग्री। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो किया हुआ है वो स्ट्रॉन्ग है या फिर वो वीक है, इसको अल्फा के द्वारा नोट करते हैं। अल्फा क्या होता है, जितने मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हुए अपॉन जितने टोटल मॉलिक्यूल्स थे, उसका रेशियो निकालते हैं, तो हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाती है ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड, कितने मॉलिक्यूल आपके डिसोसिएट हुए या आयनाइज हुए, रेशो निकाल टोटल आपको कितने दिए हुए थे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके एसिड के। अक्सर इसको हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे तो इनटू क्या कर दोगे 100। अब एक स्केल बना रखा है हमने जिससे हम पता लगाते हैं वीक कौन है स्ट्रॉन्ग कौन सा। अगर आप अल्फा की वैल्यू कम आ जाती है 30% से, इफ अल्फा इज लेस देन 30%, इट मींस हम कहेंगे कि भाई ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। 30%, अरे आप खुद अंदाजा लगा लो, पेपर तो 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है, इसमें जो 33 भी नहीं लेता तो फेल हो जाता है, वीक होता है। उसी बेस पे इसको समझ लो कि 30% से भी कम आपको टोटल मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, उसके 30% भी डिसोसिएट नहीं हुए, इट मींस वो कैसा एसिड है, वो वीक एसिड है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। तो ये है अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब स्ट्रॉन्ग में हम 100% की बात नहीं करेंगे, यानी कि ये क्राइटेरिया ये बताता है कि अगर अल्फा आपका 30% से ऊपर आ जाता है, इट मींस उसको हम स्ट्रॉन्ग मान लेते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। वो अलग अलग होगा हर एसिड के लिए, और जिसका 30 से भी कम आए तो उसको हम मानेंगे कि ये क्या है, ये वीक एसिड है। इट मींस वीक एसिड की मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, आपके पास मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो नहीं टूटे और आयंस भी होते हैं, मिलेंगे इसमें क्या होगा, आपको आयंस भी मिलेंगे क्योंकि थोड़ा बहुत तो डिसोसिएशन हुआ है ना, और भी मिलेंगे, यानी कि वीक एसिड्स में आपको दो चीजें मिल सकती हैं, एक तो आयंस हैं जो थोड़े बहुत टूटे क्योंकि वीक था तो थोड़े ही होंगे, और प्लस आपको क्या मिलेंगे, अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, एसिड के वो मॉलिक्यूल्स जो डिसोसिएट नहीं हुए नहीं टूटे वो भी आपको इसके अंदर ही मिलेंगे। अब जिसका अल्फा, क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं आपसे कि भाई किसी का अल्फा दे दिया, मान लिया अल्फा एक का दे रखा है 30% और एक का दे दिया 35%, और आपसे पूछ लेता है भाई इनमें से बताओ कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जिसका अल्फा ज्यादा है इसका मतलब वही ज्यादा आयनाइज हो रहा है, तो वही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इट मींस मोर द वैल्यू ऑफ अल्फा, जितनी अल्फा की वैल्यू ज्यादा होगी, जितनी मोर होगी, इट मींस डिसोसिएशन ज्यादा हो रहा है, तो वही ज्यादा एसिडिक भी होता है। वैल्यू ऑफ अल्फा मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ भी उसकी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये अपना है स्ट्रेंथ के बेस के ऊपर स्ट्रॉन्ग एसिड जो कंप्लीटली आयनाइज होगा, जिसमें इसको दूसरे तरीके से कैसे कहेंगे, द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इज मोर, ये ज्यादा आते हैं,
और वीक एसिड में क्या होगा, ये पार्शली आयनाइज होंगे और इनमें हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन क्या आएगी, कम आएगी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से हम पता लगाएंगे, जिसका 30% से कम है वो है वीक एसिड और उससे ऊपर है तो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है एसिड्स का, क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। सबसे पहले यही बात आपको याद रखनी है जिसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। एसिड की बेसिसिटी होती है और बेस की एसिडिटी होती है। ऑलवेज रिमेंबर, एसिड की बेसिसिटी होती है और बेस की एसिडिटी होती है। तो बेसिसिटी के बेस के ऊपर हम कितने टाइप्स में बांट सकते हैं एसिड को, वो पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं बेसिसिटी क्या होती है। देखिए, अरहेनियस कॉन्सेप्ट मेन था एसिड का और उसने बताया कि जो एच पॉजिटिव छोड़ देता है या हाइड्रोनियम आयन छोड़ता है वो होता है एसिड। तो ये एसिड जरूरी थोड़ी है एक एच पॉजिटिव छोड़ें, कोई ऐसा एसिड भी हो सकता है जो दो छोड़ सकता है, कोई तीन एच पॉजिटिव छोड़ सकता है, कोई चार एच पॉजिटिव छोड़ सकता है। इसी के बेस के ऊपर इनकी अलग अलग हो जाती है। तो किसी भी एसिड में से आपके पास रिप्लेसिएबल एच पॉजिटिव कितने हैं, आप कितने एच पॉजिटिव ले सकते हैं, वही उसकी बेसिसिटी कहलाती है। इसको डिफाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ रिप्लेसिएबल एच पॉजिटिव आयन्स, एच पॉजिटिव आयन कितने रिप्लेस होते हैं, कितने आपको मिलेंगे, वही है बेसिसिटी ऑफ एसिड। और इसके बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन है, तो पहला है मोनोबेसिक। देखिए नाम से ही पता लग गया, मोनो मीन्स, ये साइंस की गिनती है, मोनो मीन्स वन, डाई मीन्स टू, ट्राई मीन्स थ्री, टेट्रा मीन्स फोर, पेंटा मीन्स फाइव, हेक्सा मीन्स सिक्स, हेप्टा मीन्स सेवन, ओक्टा मीन्स एट, इस तरह ये साइंस की गिनती होती है। मोनोबेसिक का मतलब क्या है, पता चल गया हमें इस बात का, बेसिसिटी इसकी क्या है, वन है। The acids whose basicity is one, they are called monobasic acids. Or we can say that number of replaceable H positive ion in these acids are one. इनमें H positive ion एक होता है replace, एक मिलेगा हमें। जैसे example देख लीजिए, H positive और Cl negative. HCl को जैसे ही आप तोड़ोगे क्या बनेगा आपके पास, H positive Cl नेगेटिव। कितने H पॉजिटिव मिल रहे हैं, एक मिल रहा है, तो आपकी बेसिसिटी भी यहां क्या आ गई, एक आ गई। इसी तरह HNO3 है, इसको आयनाइज करके देखिए आप वाटर में करेंगे, जाहिर सी बात है, तो H3O पॉजिटिव लिखूं या H पॉजिटिव लिखूं, बात एक ही है। तो जब इसको आप तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, इसकी बेसिसिटी भी कितनी है आपके पास, वन आई। इसी तरह HCN है, आप इसको तोड़ के देख लीजिए, H पॉजिटिव CN नेगेटिव, इसकी बेसिसिटी भी क्या है, वन है। तो ये है मोनोबेसिक एसिड्स जिनकी बेसिसिटी क्या है, वन है। अब इसकी एक स्टेप और आगे तक चलते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। कोई आपसे पूछ ले कि भाई मोनोबेसिक एसिड की क्या कैरेक्टरिस्टिक, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पहली तो ये है कि इसमें रिप्लेसिएबल एच पॉजिटिव होता है वन, रिप्लेसिएबल एच पॉजिटिव इज वन, यानी कि एक एच पॉजिटिव आपको मिलने वाला है। दूसरा आप याद रखेंगे, जब मोनोबेसिक एसिड आपके पास है ना, तो उससे आपको नॉर्मल साल्ट मिलता है, नॉर्मल साल्ट इज फॉर्म्ड, इससे आपको नॉर्मल साल्ट मिलेगा। और ये तीसरी बात है, ये सिंगल स्टेप की रिएक्शन आपके पास होती है। तो मोनोबेसिक एसिड की खास बात क्या क्या है, एक एच पॉजिटिव आपको मिलेगा, नॉर्मल साल्ट बनता है इससे, और ये सिंगल स्टेप में होती है, डबल स्टेप में
नहीं होती है। जैसे HCl के साथ आप NaOH मिला दें, साल्ट बना के देखते हैं कैसा बनता है। तो एक स्टेप में ये रिएक्शन होगी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, आयन एक्सचेंज होंगे, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ। तो क्या आएगा अपने पास, NaCl प्लस H2O। ये Na इसके साथ, ये नेगेटिव NaCl, H और O इसके मिलके बनाएंगे H2O। ये जो साल्ट अपने पास आता है ये नॉर्मल साल्ट है, तो इसकी करेक्टरिस्टिक है। तो मेन तो बिल्कुल दो होगी, ये तो आपकी डेफिनेशन में ही आ गई, मेन दो होगी कि सिंगल स्टेप में होती है और दूसरा क्या है, नॉर्मल साल्ट इससे बनता है, यह है मोनोबेसिक। दूसरा है डाइबेसिक, डाइबेसिक एसिड, इनको प्रोटोइक भी कहते हैं क्योंकि H पॉजिटिव है, प्रोटोन है, तो इसी को मैं मोनोप्रोटिक भी कह सकता हूं और इसको मैं डाइप्रोटिक भी कह सकता हूं। डेफिनेशन आप समझ गए होंगे नाम से। इसमें क्या होगा, हमें टू एच पॉजिटिव मिलने वाले हैं, वेयर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन्स आर टू, संख्या में दो होंगे, जैसे H2SO4। अगर इसको आयनाइज आप करवाओगे तो क्या बनेगा, SO4 टू नेगेटिव। अब टू नेगेटिव है तो न्यूट्रलाइज करने के लिए H पॉजिटिव भी कितने चाहिएंगे हमें, दो। तो इसकी बेसिसिटी, क्योंकि दो है तो इसकी बेसिसिटी भी क्या है आपके पास, ये है टू। इसी तरह और एसिड है जैसे H2SO3, इसकी भी बेसिसिटी टू है। H2CO3, इसकी बेसिसिटी भी टू है। तो ये जो दो एच पॉजिटिव दे रहे हैं ये क्या होते हैं, डाइबेसिक एसिड होते हैं। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स जानते हैं, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, यहां लिख रहा हूं मैं डाइबेसिक की। मोनोबेसिक में आप पढ़ा कि ये सिंगल स्टेप में होती है, डाइबेसिक जो है पहली करेक्टरिस्टिक है कि ये टू स्टेप्स में होती है, दो स्टेप में होगा। जैसे कि आपके पास H2SO4 है तो जो पहला स्टेप होता है ना उसमें क्या होगा, ये ऐसे मिलेगा आपको H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, यही लिखता हूं, यही लिखेंगे इसी साइड में कि क्या क्या होता है, दो स्टेप आपको कैसे मिलते हैं इससे। तो डाइबेसिक की बात हम कर रहे हैं और डाइबेसिक में क्या होगा, अपने पास टू स्टेप्स होते हैं। टू स्टेप्स में क्या होगा, दो प्रकार के साल्ट आपको मिलेंगे, टू टाइप्स के, एक तो आपको एसिड साल्ट मिलेगा और एक आपको नॉर्मल साल्ट मिलेगा। जैसे NaOH है, इसके साथ H2SO4 को आप रिएक्ट करवाइए तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो H2SO4 है ना ये ऐसे टूटेगा, पहले स्टेप में H पॉजिटिव, एक H को ले लीजिए इसमें से और दूसरा बचेगा HSO4 माइनस। तो ये रिएक्शन आपने करवानी है, तो HSO4 की वैलेंसी है माइनस की वन, सोडियम की क्या होती है प्लस की वन, दोनों को मिलाओ बन गया NaHSO4। ये OH और यहां से एक H आपको मिल रहा है तो ये हो गया H2O। ये जो साल्ट है ये एसिड की वजह से ही बन रहा है यहां पे, इट इज कॉल्ड एसिड साल्ट। तो एक स्टेप तो ये होगा, दूसरा स्टेप, ये दो स्टेप में हो सकती है, NaOH H2SO4, टू मॉलिक्यूल्स आपको इसके लेने पड़ेंगे और अब बनेगा Na2SO4। इसकी वैलेंसी दो है, सोडियम की वन है, एक्सचेंज करेंगे, इसकी इसके पास आ गई, इसकी वन है तो यहां चली गई, प्लस H2O। ये जो एसिड है ये भी आपको दो लेने पड़ेंगे बैलेंसिंग के लिए। ये जो है ये अपने पास अब कैसा आया, नॉर्मल सॉल्ट। तो टू स्टेप्स में ये रिएक्शन होती है, डाइबेसिक यानी कि डाइ, मोनोबेसिक में क्या था, सिंगल स्टेप था, डाइबेसिक में क्या है, डबल स्टेप है, यानी कि दो स्टेप हैं, बेसिसिटी इसकी दो है। तो कैरेक्टरिस्टिक लिखनी पड़े इसकी, तो कैसे लिखोगे,
पहली कैरेक्टरिस्टिक बताओ क्या आई कि इसकी बेसिसिटी 2 है, यानी कि एच पॉजिटिव में कितने मिलने वाले हैं, 2 मिलने वाले हैं। दूसरी बात क्या है, ये डबल स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप होते हैं। तीसरी बात क्या आई, इससे हमें एक तो मिलता है एसिड साल्ट प्लस एक और क्या मिलता है, नॉर्मल साल्ट। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक हो गए अपने पास डाई बेसिक एसिड की। अब तो पहला मोनोबेसिक पढ़ा, दूसरा डाई बेसिक, तीसरा है ट्राई बेसिक। ट्राई बेसिक को ट्राई प्रोटिक भी कह सकते हैं। डेफिनेशन बिल्कुल आसान, एच पॉजिटिव यहां पर आपको कितने मिलने वाले हैं, 3 मिलने वाले, वो ट्राई बेसिक है, 3 एच पॉजिटिव आपको मिलेंगे। जैसे H3PO4 है, जब इसको आप आयनाइज करेंगे तो आपको मिलेंगे 3 एच पॉजिटिव मिलेंगे। एक और जो बहुत सी बुक्स में नहीं दिया हुआ है, एक टेट्रा बेसिक भी होता है। टेट्रा बेसिक मीन्स आपको एच पॉजिटिव कितने मिलने वाले हैं, टेट्रा भी गिनती बताई थी साइंस की, कितने मिलने वाले हैं, 4, आपको 4 एच पॉजिटिव इसमें मिलेंगे, उसको टेट्रा बेसिक कहते हैं। जैसे एग्जांपल है सिलिसिक एसिड, इसमें आपको 4 एच पॉजिटिव आयन्स मिलेंगे, यानी कि 4 हाइड्रोनियम आयन आपको मिलेंगे। फार्मूला है H2SiO4, ये सिलिसिक एसिड का फार्मूला है। तो ये टेट्रा बेसिक है। अब इसमें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, एक एसिड ऐसा है, एक या 3 एसिड ऐसे हैं जिनको जब हम बाहर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इनकी बेसिसिटी एक जैसी होगी, लेकिन वो एक जैसी होती नहीं है। यानी कि हमेशा आप H2SO4 आपको ऐसे अंदाजा नहीं लगाना कि हाइड्रोजन आप गिन लो टोटल कितने हैं और फिर कह दो भाई जितना हाइड्रोजन है वो सारे हमें मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे कि इस तरह से अगर आप गिनोगे तो जो एसिटिक एसिड है CH3COOH, उसमें भी आपको 2 एच पॉजिटिव मिल जाएंगे इस तरह से, तो लेकिन ऐसा होता थोड़ी है। जैसे कि CH3COOH, 2 क्या और ज्यादा मिलेंगे इसमें। तो अगर आप ये देखें भाई जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं सारे के सारे आपको एच पॉजिटिव मिल जाएं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो 1, ये 3, ये 4 हैं, ये तो टेट्रा बेसिक होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। यहां से आपको केवल 1 एच पॉजिटिव मिलेगा, ये मोनोबेसिक है। तो हमेशा आप हाइड्रोजन गिन ले और वो सारे के सारे आपको मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल अब हम ले रहे हैं, देखो 3 एसिड हैं H3PO4, H3PO3 फास्फोरस के एसिड है ये, और H3PO2। अब इसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या गलती करेंगे भाई, जैसे H2SO4 पढ़ रहे थे हम, HCl पढ़ा, हाँ भाई एक एच पॉजिटिव मिल गया, खुश। H2SO4 ठीक है भाई, 2 हाइड्रोजन मिल गए, खुश। इसी तरह H3 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये मान के चल लेते हैं कि भाई हर जगह में तो 3 मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसके लिए हमें इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा और स्ट्रक्चर से पता चलेगा कि हमें कितने एच पॉजिटिव मिलेंगे। जो फास्फोरस से डायरेक्टली बॉन्डेड हाइड्रोजन है वो आपको नहीं मिलेगा, वो मिल गया तो फास्फोरस की वैलेंसी बिगड़ जाएगी। तो जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है वही आपको यहां मिलने वाले हैं। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो एक बात इसमें कॉमन है, हर एक एसिड में फास्फोरस के साथ डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन जरूर आएगी, यानी कि इसमें भी ये कंपलसरी है, ये जरूर आएगा, इसमें भी ये जरूर आएगा, पी डबल बॉन्डो, ये इसमें भी जरूर आएगा। अब बाकी की स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं, ये है H3PO, तो OH ऑक्सीजन गिन लेते हैं, 4 है ना, एक ही होगी, 2 होगी, 3 और 4, ये ठीक है। अब देखो आपके पास 4 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो जो ऑक्सीजन के साथ है ये आपको मिल जाएगी, क्योंकि भाई हाइड्रोजन चला जाएगा कोई बात नहीं, ऑक्सीजन है, बॉन्ड तो खराब नहीं हो रहा,
तो यहां से आपको H पॉजिटिव तीन मिलेंगे, इसीलिए इसकी बेसिसिटी H3PO4 की बेसिसिटी है 3। अब इस स्ट्रक्चर पे आ जाओ, P डबल बॉन्ड O, ये हो गया OH, तीन ऑक्सीजन आपके पास, दो हो चुकी हैं, ये तीन होगी। अब यहां क्या बच गया, हाइड्रोजन बच गया, तो फास्फोरस इज डायरेक्टली अटैच्ड टू हाइड्रोजन। अब ये आपको नहीं मिलेगा एच पॉजिटिव के रूप में। अब आपको कितने मिलने वाले हैं, एक ये एक ये, जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है। भाई इसको मत लेके जाना, वरना बॉन्ड नहीं बनेगा इसका, पांच बॉन्ड नहीं बनेंगे फास्फोरस के, 15 होता ना फास्फोरस का, 285, तो 5 है लास्ट में, तो 5 बॉन्ड बनाने हमने, 5 नहीं बनेंगे, इसलिए इसकी बेसिसिटी जो है वो होती है 2। यानी कि ये नहीं देखना आपने कि ये तीन दे रखे हैं तो बेसिसिटी 3 होगी, ऐसा नहीं होगा, इसकी बेसिसिटी क्या आई 2। अब इसके पास आ जाओ, ये तो होगा ऑक्सीजन अपने पास दो ही है, एक दो, दो पूरी होगी। अब बाकी क्या बच गया, हाइड्रोजन, तो ये भी आपको नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, केवल ये हाइड्रोजन मिलेगा। सो इट्स बेसिसिटी इज 1। तो याद रखिए H3PO4 ट्राई बेसिक है, H3PO3 डाई बेसिक है, H3PO2 मोनो बेसिक है, यानी कि यहां से आपको एक हाइड्रोजन मिलने वाला है।